गुड मॉर्निंग क्लास, दिस वीडियो इज़ टोटली अबाउट चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एंड ऑफ बायपोलैरिटी. यू मस्ट हैव सीन द न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस्ड बाय द CBSE लास्ट मंथ. देर आर चेंजेस इन आर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स. लेट अस सी फर्स्ट व्हाट आर द चेंजेस. If you will see in the first chapter, as I told you in the previous videos, that the name of the chapter, the Cold War era, is now changed in the Cold War and Non-Allied Movement, where the Non-Allied Movement was introduced as one of the important movement or the one of the alternative option. Now let's come to the second chapter, because in chapter number 2 of class 12th political science and chapter number 3, there are many changes. Chapter 2, the end of the bipolarity, the name of the chapter is same as before. In the chapter before, we used to study the following topic. We'll go through with the chapter very carefully. You will be able to see, like, there is an overview of the chapter. We used to study about the Soviet system, and we used to see that how the USSR disintegrated, and you will see the syllabus. Let's start from the beginning. Overview of the chapter, Soviet system. First few pages of this chapter introduce ourselves with what was the Soviet system, who were the leaders during the Cold War, and who was the last leader of the USSR. Like, here is the name introduced, Gorbachev, Mikhail Gorbachev. What were his policies, and how these policies came to make these kind of situation. Okay, the reasons behind how Soviet Union disintegrated. And after this, we used to study about the, like, shock therapy, their consequences, tensions in the conflict, and India's role with USSR during the Cold War, and with Russia after the Cold War, and with the post-communist countries. जितनी भी countries USSR की member रहीं, 15 member nations का जो group रहा, उसके बाद India के उन सभी nations के साथ क्या relations रहे हैं Cold War के बाद. ये second chapter हमें detail में बताता है. एक बार हम इसी तरीके से chapter number 3 को भी देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस समझने के लिए आपको दोनों चैप्टर्स में पहले क्या था और अब क्या चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है. द थर्ड चैप्टर इज़ US हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. क्लास, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बायपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी के टर्म्स को एक्सप्लेन किया था. थर्ड चैप्टर जो है पर्टिकुलरली यूनिपोलैरिटी के बारे में है, कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है उसके बाद USA किस तरह से स्टेप्स लेता है और किस तरीके से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंट्रोड्यूस करता है. सिचुएशंस क्या रहती हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है. चार ऑपरेशंस के बारे में सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है. कुछ कार्टून्स हैं, एंड देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कार्टून्स एज वेल. हेजेमनी का मतलब बताया गया है. हेजेमनी का मतलब है डोमिनेंस से. डोमिनेंस किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इन द यूनिपोलर वर्ल्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर और फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स. हेजेमनी के कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं. इसके बाद हम लोग कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि कहीं ना कहीं अमेरिकन पावर को कंस्टेंट या रोकने की कोशिश करते हैं, और इंडिया का USA के साथ क्या रिलेशन रहा है प्रेजेंट टाइम पीरियड पे. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बहुत खास रिलेशंस हमारे नहीं रहे हैं. आफ्टर द कोल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम लोगों ने बनाने या मेंटेन करने कोशिश की, तो इसके बारे में थर्ड चैप्टर है. और लास्ट जो टॉपिक है, हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम, तो जो हमें ये बताता है कि 1991 के बाद जिस भी तरह से
इंटरनेशनल लेवल पर यूनिपोलारिटी वाइड स्प्रेड की गई, उस यूनिपोलारिटी से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, जैसे कि यूएनओ, बाकी सारे नेशंस जो कि अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, जैसे चाइना है, जापान है, यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द अपकमिंग नेशंस टू, तो वो सब नेशंस किस तरीके से अमेरिका की हेजेमनी को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बच्चों, जब हम लोग सिलेबस से गो थ्रू करते हैं और सिलेबस से गो थ्रू करने के बाद हमें ये पता चलता है दैट कि कहीं ना कहीं हमारा जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड नहीं रहा है, अब बहुत ज़्यादा कंक्रीट फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन देने की प्लानिंग की गई है। तो जहाँ पर हम लोग पहले डिटेल में पढ़ते थे कि रशिया क्या रहा, सेंटर एशिया के नेशंस कौन से रहे, किस तरीके से पोस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सेटअप किया गया इंडिया का रशिया के साथ और बाकी जो पोस्ट कम्युनिस्ट नेशन है, बेटा पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस वो हैं जो कि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद अलग अलग इंडिपेंडेंट 15 नेशंस में बायफिग्रेट कर दिए गए, तो उनके साथ इंडिया के क्या रिलेशंस थे, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताता है। और किस तरीके से जो रशिया है, बाकी सेंटर एशिया के नेशंस हैं या ईस्ट यूरोपियन नेशंस ने, उसने किस तरह से डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम में अपने इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रांसफ़र किया है या फिर आइडियोलॉजी को चेंज किया है, ये पूरा का पूरा हमारा ओल्ड सिलेबस की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है। बट अगर आप न्यू सिलेबस को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स अब CBSE नहीं करा रहा है। आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा भी है, पर कुछ न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा डीप नॉलेज आपको देंगे। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखते हैं तो सिलेबस के अंदर आपके पास, अगर आप चैप्टर टू को अगर आप टर्न करके देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले ओवरव्यू वाला टॉपिक है, वट वॉज सोवियत सिस्टम, गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, आफ्टर दैट वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये आपके डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाले टॉपिक के अंदर पूरा का पूरा डिटेल में आएगा। अगर एक बार आप बुक में उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। चैप्टर नंबर टू, ओवरव्यू, व्हाट वाज़ द सोवियत सिस्टम, गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, पेज नंबर 23 पर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया गया। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके इस सब टाइटल के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए CBSE आपको कह रहा है। इसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडल ईस्ट क्राइसिस, यूनिपोलर वर्ल्ड यानी कि अमेरिका की हेजेमनी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। बेटा आप ना अगर ध्यान से देखें तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को मर्ज कर दिया गया, यहाँ पे साफ साफ लिखा डिलीटेड, अ पार्ट गेट्स एडिड विद यूनिट 2, यूनिट 2 आपका एंड, एक सेकेंड, यूनिट 2 है आपका द एंड ऑफ द बायपोलैरिटी, यूनिट 3 यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कट कर दिया गया है, बट उसके कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है यूनिट 2 के अंदर। यहाँ पर जो मेन कंटेंट ऐड किया गया है वो ऐड किया गया आपकी यूनिपोलैरिटी के रिगार्डिंग, यानी कि हेजेमनी क्या है, हेजेमनी के टाइप्स कैसे हैं। हम लोगों ने बेटा कुछ हेजेमनी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, अगर आप चैप्टर को एक बार देख लेते हैं, फिर से मैं आपको थर्ड चैप्टर दिखाती हूँ कि हमें करना क्या क्या है इसमें। आपको थर्ड चैप्टर के अंदर बताया जाता है व्हाट डज हेजेमनी मीन, पेज नंबर 37 पर, उसका हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्ट्रक्चरल पावर, स्ट्रक्चरल पावर इज है एंड हेयर इज़ दी सॉफ्ट पावर, तो पूरा हेजेमनी का एक्सप्लेनेशन आएगा इसके अंदर आपका, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को याद होगा जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे वहाँ पर अफगानिस्तान का नाम आया था, और मैंने आपको तब भी कहा था कि अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेशन कोल्ड वॉर को एंड करने की सिचुएशन का टाइम जब आएगा 1978
88 के आसपास। तो ये एक पूरा टाइम पीरियड है जब अफगानिस्तान को यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही अपने अलायंसेस का मेंबर बनाना चाह रहे हैं। तो पहले ये सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ था, बहुत कम लाइंस में एक्सप्लेन किया गया था प्रीवियस सिलेबस में, बट अब इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह एक्सप्लेन किया गया है अफगानिस्तान को, गल्फ वॉर। बेटा थर्ड चैप्टर में आपके पास एक यूनिट है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बिगनिंग में ही एक टॉपिक आता है, एक मिनट, यहाँ पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यहाँ पर एक ऑपरेशन है उसके बारे में, यहाँ पर हमें गल्फ वॉर में बताया गया पूरा क्लिंटन ईयर से पहले, ये पूरा यूनिट आपका सिलेबस में है, ठीक है। ये कुछ स्टोरीज बताई गई हैं, पहले भी इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आए बिकॉज आप सिर्फ, मतलब ये कुछ तीन एग्जांपल्स दिए गए हैं बुक के अंदर, जो कि एग्जांपल्स की हेल्प से ये प्रूव किया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका कल्चरली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली नेशंस को डोमिनेट करता है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। इसके बाद अगर आप दोबारा सिलेबस पे चलते हैं तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS बेटा एक कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाया गया, आप लोगों को याद होगा, मतलब हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, अब हम सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ेंगे कि USSR जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो USSR के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जितने भी नेशंस ने USSR को फॉर्म किया, उस USSR की फॉर्मेशन के टाइम पीरियड पे, मतलब बाद में, मतलब एक सरप्राइज में ये सामने आया, पहले ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी, बट सरप्राइजिंगली CIS एज अ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह सामने रखा गया, और ये उन नेशंस के लिए था बेसिकली जो कि USSR के साथ बने रहना चाहते थे या फिर चाहते थे कि रिपब्लिक को इंडिपेंडेंट करने के बाद भी या कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी हम लोग रशिया के साथ मिलकर ही अपने नेशन को रन करें, पर रशिया ने उस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया और प्लान किया फ्यूचर में कि हम एक CIS नाम से एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं जो कि सभी नेशन को इंडिपेंडेंसी भी देगा और उन्हें सोवरन तरीके से काम करने के लिए पावर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा CIS एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग, बेटा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि 21st सेंचुरी एंड अरब स्प्रिंग, ये बेटा एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है। CBSE ने बहुत डिटेल में चैप्टर में इंट्रोड्यूस नहीं किया और ना ही अब तक ऐसा कोई बुक पब्लिश की गई है CBSE के थ्रू, बट यस CBSE ने सिलेबस में एक पैराग्राफ ज़रूर सजेस्ट किया है जिसको एज अ सेंटर आइडिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कंटेंट को ऐड करने की कोशिश की जा सकती है। ये आपका सेकेंड चैप्टर के लिए है, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन थर्ड चैप्टर एज सच हमारे पास कोई थर्ड चैप्टर है नहीं, बट हाँ सेकेंड और थर्ड चैप्टर को मर्ज किया गया है जैसे कुछ